नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। नैनीताल के सुप्रसिद्ध बोट हाउस क्लब में कल वोटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी मेंबर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस बार वोटिंग का क्राइटेरिया कुछ अलग था। ऑफलाइन वोटिंग के साथ साथ ऑनलाइन वोटिंग की भी शुरुआत इस साल से की गई, जिसका निष्कर्ष कुछ ऐसा निकला कि ऑफलाइन वोटिंग के बैलेट्स गिनने के बाद जो लोग आगे चल रहे थे वो ई वोटिंग के बाद आगे बढ़ गए। और जैसा कि सभी ने रुझान लगाया था कि इस बार ई वोटिंग की वजह से काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, वहीं फाइनल काउंटिंग के बाद 9 लोग विजयी रहे, जिसमें धीर सिंह को 946, अखिल शाह को 898, शोएब अहमद को 888, मुकुंद प्रसाद को 885, सुमित जेठी को 846, मोहन चंद्र पांडे को 829, नसीम खान को 813, देवेंद्र कुमार शर्मा को 785, जितेंद्र सिंह सरना को 753 वोट मिले। इसी के साथ ये 9 लोग नैनीताल वोट हाउस क्लब का कार्यभार संभालेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।